हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रॉ गेमिंग चैनल पे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले कि माइनक्राफ्ट में हम कितना अंदर तक जा सकते हैं। कि आपने तो पता ही होगा माइनक्राफ्ट एक वर्ल्ड होता है, तो हम देखेंगे कि हम ज़मीन के कितने अंदर तक वहाँ पे जा सकते हैं। और देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे दोस्त के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो भी गेमिंग वीडियोज़ डालने वाला है, डेथ बाय डे वगैरह वगैरह। और चलो, आगे मैंने एटेक्स कर दिया है, एटेक्स स्पीड कर दी है, देखते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए एटेक्स स्पीड कर दी है मैंने। और आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, और ये बहुत टाइम लगा था मेरे को ये करने में, तो इसलिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको, मतलब स्पीड इसकी बढ़ा दी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट हो चुका था दोस्तों, पूरा ब्लैकआउट। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी चीज़ें भी यूज़ की, बहुत सारी मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं कुछ कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा था कि बाहर जाऊँ, पर नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऊपर देखा तो वो बहुत ऊपर था अभी, तो मैंने बोला जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकलना है अब हमें, क्योंकि अब बहुत डार्क हो गया था और मेरे को माइनक्राफ्ट ज़्यादा खेलने भी नहीं आती। और ये मेरी पहली वीडियो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करो और चैनल को 400 सब्सक्राइबर तक पहुँचाना है लास्ट इसी ईयर के एंड तक, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो उसके बाद मैंने क्रिएटिव मोड में चला गया, जहाँ से मेरा बहुत जल्दी जल्दी सब टूट कट जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने लावा को पार कर लिया। लावा को पार करके मैं कुछ अलग ही डायमेंशन जैसे मैं आ गया, आप ये देख सकते हो, ये अलग ही डायमेंशन जैसे मैं आ गया। तो मैं इसके ऊपर गया तो मैं ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो मैंने सोचा वापस क्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब तोड़ना चालू करते हैं। फिर मैंने आगे तक तोड़ा ताकि मैं कुछ दिख पाए कि आगे क्या हो रहा है। मैंने आगे तक तोड़ा, ऊपर देखा तो ऊपर से लावा आ रहा था, तो मैं लावा के अंदर गया और ऊपर गया। तो ये क्रिएटिव मोड था, इसमें आप मरते नहीं हो, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, वरना अगर आप नॉर्मल में जाओगे तो आप मर जाओगे लावा से। तो मैंने आजू बाजू में तोड़ा ताकि मेरे को दिखे, साफ साफ दिखे कि क्या हो क्या रहा है। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर ऊपर जाने के मैंने ऊपर जाने लगा, मैं स्टार्ट किया मैंने ऊपर, मैंने बोला अब वापस ऊपर चलते हैं। और अगर आपको ये लावा देख के बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि हम 400 के बहुत नज़दीक। और मेरे दोस्त के चैनल पर भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे मेरे को पूरा वापस ब्लैकआउट हो गया था, तो मेरे को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि पर मेरे को ये जो आप देखते हो ना, कि जब कुछ भी ऐसा ब्लॉक वॉक टूटता है तो वहाँ से थोड़े थोड़े टुकड़े आपके ऊपर गिरते हुए दिखाते हैं, तो मैं वही देख के मैं देख रहा था कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। और ये टूट रहे थे तो मैंने जल्दी जल्दी से मैं देखता गया, आप देख सकते हो। तो मैंने थोड़ी स्पीड कम कर दी है ताकि आप यहाँ पर ध्यान से देख सको। तो देखिए दोस्तों, मेरे को ऊपर वहाँ पर लाइट दिखी, पर वो पता क्या था, वो पानी था। मैं यहाँ से एकदम साइड से बाहर निकला जहाँ पे समुद्र था, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों बाहर जाके, कि आप देख सकते हो वहाँ पे पूरा पानी है ये। अब आप देख सकते हो जहाँ पे पानी आ चुका है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। और ये मैं क्राफ्टिंग वाले में खेला था और ये मैं अलग ही जगह से निकला। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में होते तो आप यहाँ पे नहीं होते, ये शायद दूसरा एंड या फिर दूसरी जगह है माइनक्राफ्ट में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।